वेलकम बैक माई ब्लॉग्स। और आज मैं फिर से डॉक्टर जी के पास आई थी क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही नहीं ठीक है, क्योंकि इतने दिन से बीपी का प्रॉब्लम चल रहा था और फिर बुखार बार बार आ रहा था मुझे, तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ा ताकि पता चल सके। और फिर ब्लड टेस्ट में पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया है, पहली बार हुआ है तो इसका पेन बहुत अलग है। और उसके साथ साथ दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा निकल गया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शुगर हाई हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पेन है मुझे। बट फिर भी मैं थोड़ा सा अपने आप को खुश रख रही हूँ। दवा तो अभी चल रहा है, अभी उन्होंने बोला 10 इंजेक्शन। मैं मेरे को कल मेहंदी लगवाना था तो मैंने उनको मना करा था कि आप ये मत लगाइएगा, और कल वो बहुत ही अलग तरीके से इंजेक्शन, मतलब कि बहुत हार्ड इंजेक्शन था जिसकी वजह से मेरे को पेन होता फिर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला इसके साथ आपको बोतल चढ़वाना ही पड़ेगा क्योंकि इंजेक्शन बहुत हार्ड है और डायरेक्ट जाएगा तो आपको बहुत दर्द होगा, तो फिर जुगाड़ू टाइप से कल एक बार मैं मतलब सिर्फ सुई से ही उन्होंने चढ़ा दिया, पता नहीं कैसे। और उन्होंने बोला कि अगर आप ये नहीं लगवाओगे तो आपको ऐसे ही चढ़वाना पड़ेगा बार बार एक जगह पे सुई हो कितना घोपते। आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो यही ठीक है कि अगर जिस दिन इंजेक्शन लगता भी है मुझे तो इसी में लगे तो बेहतर है इतना इंजेक्शन। कल जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को इतना डर लगा इंजेक्शन से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं इंजेक्शन से डरी, मैं कभी डरती नहीं इंजेक्शन से, दवा से हाँ, दवा बिल्कुल बहुत नफरत है दवा, इंजेक्शन से नहीं डरती। कल जो उन्होंने टेस्ट किया क्योंकि वो इंजेक्शन टाइफाइड का ही था, तो उन्होंने बोला कि मेरा शरीर पता नहीं उस इंजेक्शन को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, जिसके वजह से उनको छोटा सा चेक करना पड़ा, टेस्ट करना पड़ा मेरा। बड़ा बहुत अलग तरीके से इंजेक्शन दिया, पहली बार मुझे इतना दर्द हुआ था उस इंजेक्शन से, और बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी तबीयत मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मन में ऐसा नहीं होने दे रही हूँ, पैनिक नहीं ले रही हूँ, अपने आप को तकलीफ में नहीं ज़्यादा जाने देना चाहती क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी पेन में हूँ, परेशान हूँ, तबीयत को लेकर सुधार नहीं हो रहा है। तो कल मेरे घर पे फंक्शन भी है और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एडजस्ट होगा, और डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया कि मैं भाई फास्टिंग नहीं कर सकती। ज़्यादा टाइट तो नहीं हो, ठीक है, ठीक है। चूड़ी तो पहन सकते हो ना, चूड़ी हाँ, लेकिन इसमें फंसेगा, हाँ इसमें फंसेगा, कैसा अंदाजा होगा, एक हाथ में पहन, बड़ा साइज हो तो फिर तो चलो, हाँ बड़ा साइज। साफ ना कर दिया कि मैं फास्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, तो सीपी की रह सकते हैं फास्टिंग में, और उसके बाद से मैं पूजा में बस सम्मिलित हो सकती हूँ और उसमें बैठ सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा सोच ही नहीं थी कि घर पर फंक्शन होगा और मेरी इतनी तबीयत ख़राब होगी। और रियली मेरे को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपने घर में फंक्शन हो या पार्टी हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल मेरा तबीयत कैसा रहेगा या कैसा नहीं। और अभी बोतल तो डेली चढ़ने वाला है मेरे को, कम से कम इंजेक्शन को लेने के वजह से थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन अब कल का देखते हैं, कल सुबह में भी फिर आना पड़ेगा शायद मुझे, फिर शाम को भी पार्टी है एनिवर्सरी का और सुबह गृह प्रवेश है हमारा, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा।
देखूं या अपने आप को रिलैक्स फील कराऊं या एंजॉय करूं, मतलब खुश रहूं। और क्या चाहिए, खुश रहना। अभी इसमें मैं, मेरी जितनी तबीयत खराब है, मेरे को लगता है कि खुशी रहना बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए। मैं थोड़ा सा भी गुस्सा कर ले रही हूँ, मेरा बीपी एकदम डाउन हो जा रहा है। तो मेरे को एकदम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो इरिटेशन होने लग रहा है, इरिटेट हो रहा है मन, क्योंकि इतना ज़्यादा सुई, ये 8 दिन में मैंने इतना ज़्यादा इंजेक्शन लगवा लिया, इतना ज़्यादा दवा पहली बार मैं खा रही हूँ, मैं जिससे बहुत परेशान हो गई। मैं आज तक इतना इंजेक्शन सुई या सॉरी दवा वगैरह नहीं ली, ये बट पहली बार ऐसा हुआ। कोशिश करती हूँ कल का क्या होता है। तो मिले, बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में, और कल देखिए हमारे ब्लॉग्स में कल कैसा पार्टी जाता है मेरा।